हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, दो दिन से मैं नहीं थी, लेकिन अभी देखने आई। दो दिन के बाद मैं गई थी कहीं, और उसका पार्क का भी वीडियो डाली थी और डालूंगी। बहुत सारे वीडियो लेके आई थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था, और बहुत सारा वीडियो मैं बनाई हूँ आप लोग के लिए। अरे देखिए, चीकू में नया नया ब्रांच आ रहा है बिना कोई फर्टिलाइज़र डाले, तो इसका भी केयर करना है। और इसमें कितना सदा बाहर निकल गया है। इधर सब मैं पॉट को अब रखूँगी। और देखिए बोगनवेलिया, मैं किसी को बोल के गई थी पानी डालने के लिए, और देखिए कितना सुंदर इसमें फ्लावरिंग हुआ है, बहुत अच्छा। और इसका कटिंग भी एक दो लगाना है। इधर देखिए चिल्ली हिबिस्कस में, मात्र दो दिन ही हुआ है और लग रहा है कि कितना दिन से नहीं देखी हूँ। देखिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं कुछ कुछ ट्रांसप्लांट का और कुछ कुछ काम करूंगी, और बहुत सारा कटिंग भी लाई हूं वहां से। जहां मैं गई थी वहां बहुत सारा फ्लावर लगा हुआ था, जिस फ्रेंड के घर गई थी, तो बहुत सारा मैं वहाँ से कटिंग भी लाई हूँ, क्योंकि वहाँ ग्राउंड फ्लोर में भी काफ़ी लगा हुआ था। देखिए, और ये हिबिस्कस में कितना सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होने लगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। रेड जब खिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए सब क्रिसेंथियम, और ये मैं सबका कटाई छटाई कर दी थी, रुकिए आप लोग से दिखा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया से। और ये देखिए, अब नया नया मैरीगोल्ड में कलियाँ आने लगा, और बहुत सारा कटिंग मैं लगाई हूँ, लाई हूँ, दिखाऊँगी किसी वीडियो में। और ये देखिए, ये सब मैं डाल के गई थी जो खाद। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया फ्लावरिंग हुआ, इसलिए मैं दो दिन से शॉर्ट्स वीडियो ही डाल रही थी। बस अब ये जो फ्लावर है इनको पिंचिंग करते रहूँगी, और बहुत प्यारा देखने लायक नज़ारा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें कौन सा खिलेगा ये नहीं पता। और मॉर्निंग ग्लोरी रोज़ खिलने लगा है। बहुत सारा मेरी गोल्ड का फ्लावर मैं कट करके भी गई थी। इधर देखिए इम्पेशंस में भी काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है, और कोसमोस भी खिला हुआ है। और ए सीड मैं अब तोड़ के रख दूँगी, देखिए इसी में गिर गया, पूरा सूख गया था। देखिए मेरी गोल्ड का सीड की तरह ही इसका सीड होता है। इसको सीड दिखाती हूँ मैं आप लोग से, देखिए कैसा होता है। अब इसी में निकलेगा प्लांट, और ये जितना भी ख़राब है सब हटा दूँगी, जो सूख गया है फ्लावर। बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत सारा हार्वेस्ट करके भी मैं गई थी, शॉर्ट्स वीडियो में डाली थी, और बहुत सारा फिर हार्वेस्ट करने का हो गया है। इधर देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ इसका है, टिकोमा का, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। और पूरा चांदनी और टिकोमा बहुत सुंदर खिलने लगा है। देखिए चांदनी में भी फ्लावरिंग हुआ है, और मैं जाने से पहले सब साफ़ सफाई करके गई थी। देखिए ऐसे करके गई थी सब गमला को। और इधर देखिए टमाटर, बहुत सारा हार्वेस्ट करके गई थी, और देखिए सारे पक गए हैं, तो बाद में तोड़ूंगी। और ये देखिए, इसमें तो भिंडी लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है गाजर, अब मैं एक दो चार दिन में हार्वेस्ट कर लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा। इधर भी काफ़ी अच्छा लग रहे हैं सब, अच्छा से पानी डाली हैं जिनको मैं बोल के गई थी। और ये सब तो मैं हटाने वाली हूँ जब मूली हटाऊँगी तो। इधर देखिए पम्पकिन में भी खूब फ्लावरिंग हुआ है, और सेम देखिए इतना छोटा में ही अब फ्लावरिंग करने लगा। हालांकि घर का सीड है तो पता नहीं इसमें ज़्यादा फ्रूट आएगा कि नहीं, लेकिन देखिए अब ये फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गया। इधर धनिया, ये सब बीट्स निकालूंगी देखिए, और टमाटर निकलने लगा इसमें। देखिए एक यहाँ निकला है, एक यहाँ निकला है, अब ये कौन सीजन का है, और इसमें पता नहीं फ्रूटिंग होगा कि नहीं होगा। इधर गाजर उजर मूली है सब, और जाते वक्त मैं दो ब्रोकली हार्वेस्ट करके गई थी, और आज अभी एक और हार्वेस्ट करूँगी। और सबसे सुंदर चीज़ मैं आप लोग को दिखाने लाई हूँ, देखिए ये मेरा मात्र 5-6 महीना का कटिंग है, और मैं जाते वक्त इसका वीडियो में इसका कली डाली थी, और आज आई तो पूरा गुच्छे भर के फ्लावरिंग हुई है। देखिए कटिंग में कितना सुंदर फ्लावरिंग हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये कटिंग अपडेट है मेरा, देखिए अब देखती हूँ कि इसी में रखती हूँ या इसको कोई पॉट दूंगी। और इसमें और भी कटिंग एक लगा हुआ है, देखिए एक उधर भी लगा हुआ है, दो कटिंग है इसमें,
टिकोमा का, तो आप टिकोमा का कटिंग चाहे जितना भी चाहे लगा सकते हैं। और बहुत सारा मैं हार्वेस्ट करके गई थी और करने वाली हूँ। देखिए इधर पालक है और ये सब थोड़ा सा, ये देखिए पत्ता अब गिराएगा और इसमें नया नया पत्ता आने लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कट करके गई थी इसको पूरा। देखिए सब में ब्रांच आने लगा, तो अभी मैं इसको साफ़ सफाई कर दूँगी पत्ता को सब। ये जो मैं ट्रांसप्लांट की थी वो है, मैं धूप में ही छोड़ी थी। और देखिए इधर मूली भी, मूली को जैसे रख के गई हूँ, वही मैं देखने आई कि पौधा का मेरा क्या हालत है। कहीं जाती हूँ तो मेरा जान तो पौधा में ही बसता है, तो पहले मैं पौधा को देखने आई हूँ। एक जोरक जोरक सब लग गया है, जितना भी खराब पत्तियाँ हैं सब हटा दूँगी। ये देखिए सब लगाई थी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा दिन मतलब डोरमेंसी में चल जाएगा, लेकिन नहीं गया है। इसमें नया फ्लावरिंग हुआ है, देखिए कोई भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, सारा सक्सेस हो गया है। ये देखिए इसमें तो कल शायद फ्लावरिंग भी हुआ है, पूरा पत्ता गिरा दिया है, अब नया नया ब्रांच आएगा। इधर देखिए सब पर्सलेन और ये सब काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब धीरे धीरे मैं सबको सेट करूँगी। बहुत सारा फ्लावर आग हो गया है, अब पॉट का ज़रूरत है। इधर भी देखिए सब मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और चलिए एक ब्रोकली बचा है, इसको भी मैं आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए छोटा ही फ्रूट है लेकिन बहुत खूबसूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।